हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो घूमने जा रही हूँ। तो कहाँ पे जा रही हूँ आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखो, और बहुत ही अच्छा जगह जा रही हूँ तो आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक देखना। तो चलो मैं निकलती हूँ, तब तक के लिए टाटा। तो गाइस, मैं फाइनली निकल चुकी हूँ और आप लोग को देख के समझ में आ गया होगा कि मैं न्यू टाउन पहुँच चुकी हूँ। तो और थोड़ी देर में मैं अपना डेस्टिनेशन में पहुँचूंगी और व्यू तो बहुत ही ब्यूटीफुल है न्यू टाउन का। तो आप लोग को पता ही है कितना वेल डेकोरेटेड सिटी टाइप का बनाया गया यहाँ पे कोलकाता में। और यहाँ पे आईफिल टावर के पास से जो रास्ता है, मैं इधर से ही जा रही हूँ। और इधर पे टॉय ट्रेन भी देखने मिल गया जो कि इको पार्क का ही है। और ये इको पार्क का लेक आप लोग बहुत बार देखे होंगे ये वीडियो पे। और ये वाला रास्ता तो गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल है। गाइज फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। तो पीछे में है जू, तो अभी जाएंगे। ये न्यू टाउन में नया खुला है, तो अभी हम जाएंगे आप लोग को ही लेके। तो आप लोग चलो, पहले टिकट ले लेती हूँ। ये मिनी जू का नाम है होरी नालाई, जो कि जू का ही एक पार्ट है, मिनी जू जिसको बोलते हैं। बहुत सारे एनिमल्स नहीं है यहाँ अभी यहाँ पे, इसलिए इसको मिनी जू बोल रहे हैं। जब पूरा एनिमल्स रखा जाएगा तो उसको जू बोला जाता है। और यहाँ पे आउटसाइड का फूड यहाँ पे अलाउ नहीं है। और मैं फाइनली टिकट ले चुकी हूँ। टिकट प्राइस है 50 रुपीज़। और यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो जू का। तो चलो गाइज, अभी मैं अंदर की तरफ आ चुकी हूँ, एंट्री कर चुकी क्योंकि और अंदर का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक एक करके बारीकी से दिखाते दिखाते जाऊंगी। तो आप लोग गाइस ब्लॉग को कंटिन्यू देखो। और यहाँ पे देखो कितना सारा फ्लावर्स भी लगाए गए हैं। वाओ यार, मन तो खुश हो गया इतना सारा कलरफुल फ्लावर देख के, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इधर पे छोटा सा पार्क बना हुआ है राइट साइड में बच्चे लोग का खेलने के लिए। और जू को देख सकते हो कितना वेल डेकोरेटेड और मेंटेन करके रखा गया है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो उधर पे दिखा रहा है जेबरा, तो मैं बाद में जेबरा की तरफ जाऊंगी, अभी पहले पैरोट्स के सेक्शन में मैं देख लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मकाओ है, और बहुत ही कलरफुल मकाओ यहाँ पे रखा गया है। तो मैं एक एक करके आप लोग को बारीकी से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो ब्लू एंड येलो मकाओ है, यहाँ पे बहुत सारा मकाओ है गाइज। एक्चुअली बहुत बड़ा बनाया गया तो इसमें समझ में नहीं आ रहा, ऊपर के तरफ देखो बैठी हुई है। इधर पे रेड एंड ग्रीन मकाओ है, इधर पे भी देख सकते हो कितना कलरफुल मकाओ है। तो ये वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइज यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ पैरोट का सेक्शन में मकाओ, और देख लो कितना ज्यादा आवाज हो रही है, देखो कितना ज्यादा आवाज हो रही है। तो चलो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं, और भी बहुत सारा पैरोट का सेक्शन है, तो आप लोग को मैं एक एक करके दिखाऊँ। और इधर पे गाइस रेड मकाओ भी है, और इधर पे कितना सारा ब्यूटीफुल फ्लावर्स है देख सकते हो। और इधर पे देखो ऊपर पे बैठी है ना रेड मकाओ है, और बहुत ही बड़ा बनाया गया है पैरोट सेक्शन। बहुत तरह का मकाओ यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे लॉरी को रखा गया है जो कि मकाओ का ही है एक, और इधर पे भी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, मतलब जिधर भी देखो उधर ही पैरोट का ही सेक्शन को रखा गया है। और अभी आ चुकी हूँ मैं स्कारलेट मकाओ को देखने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा इलाका में बनाया गया, इधर पे जिराफ भी है। तो मैं बारीकी से आप लोग को दिखाऊंगी एक एक करके, पहले आप लोग इधर का पोर्शन को देख लो, फिर मैं दिखाऊंगी। इधर पे देखो पेड़ बनाया गया आर्टिफिशियल स्टैचू टाइप का, और इधर पे रेड ट्रायल ब्लैक कोकेटू लिखा हुआ है जो कि ऊपर में देखो बैठी हुई है। एक्चुअली नेट के वजह से आप लोग को दिख नहीं रहा है गाइस, पर एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है जब आपने आँख से आप देखोगे। तो इस जू में बेसिकली मकाओ का सेक्शन बहुत सारा है, ऊपर से तो कलरफुल फ्लावर तो बहुत ही रखा गया है। और यहाँ पे गाइस टोको टोकन रखा गया है, तो देख सकते हो देखो सामने में दो जन बैठी हुई है ना, एकदम सामने में नीचे में बैठी है, अभी ऊपर की तरफ गई भी नहीं है। तो मेरे को सामने से देखने मिल गया और आप लोग को ही मैं दिखा दी। और फाइनली अभी इधर से हम लोग दूसरे जगह पे जा रहे हैं, देख सकते हो कितना डेकोरेशन अच्छा किया गया है। वाओ यार, बहुत ही अच्छा लगा, और बच्चे लोग को तो बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे। यहाँ पे वाटर बर्ड्स को रखा गया है, जैसे डक हुआ, देख सकते हो कितना तरह का वैरायटी डक रखा गया है।
जो बड़े बड़े ड्रग्स सब देख रहे हैं ना, वो सबको राजा हंस बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी देख सकते हो कितना कलरफुल डक रखा गया, ब्लैक कलर का। वाओ गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और इधर पे ना वाटर बॉडीज को भी बहुत ब्यूटीफुल से डेकोरेट किया गया है। तो अभी हम लोग दूसरे सेक्शन में जाएंगे। और इधर पे देख सकते हो कितना सारा पैरेट का सेक्शन अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब जाते जाते देखो, यहाँ पे है ना अमेजोन पैरेट, मतलब अमेजोन फॉरेस्ट में जो पैरेट रहती है यही सब पैरेट रहते हैं। देख लो आप लोग भी ये सब ऊपर में जो बैठी हुई है, और इधर पे भी पैरोट का सेक्शन है। तो लास्ट यही सब पोर्शन बचा हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। उसके बाद जीराफ जेपरा के सेक्शन में जाऊंगी। तो फाइनली इधर पे आ चुकी हूँ वाइट कोकाटो देखने के लिए। देखो सामने में ये बैठी हुई कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना गाइज। और यहाँ पर भी अफ्रीकन ग्रे कलर का जो बर्ड्स होती है ये सब ऊपर में बैठी हुई है। तो बहुत ही बड़ा बर्ड्स का सेक्शन है एक्चुअली इस मिनी जू में। तो गाइस अभी बर्ड्स का सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, अभी देखते जीरा वगैरह है। छोटा सा ही है जू, पर देखते बर्ड्स का बहुत कलेक्शन आप लोग देखे। तो अभी जीराफ की तरफ देखते कि क्या क्या है, जीराफ जेब्रा और क्या क्या देखने मिलता है, तो आप लोग देखो कंटिन्यू। और फाइनली पहुंच चुकी हूँ जीराफ का सेक्शन में। तो ये वाला जो ग्राउंड दिख रहा है ये जीराफ का ग्राउंड है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड बनाया गया है जीराफ के लिए। देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है जीराफ, और वहाँ पे घर है वो जीराफ का घर है। तो चलो देखते हैं। और जीराफ के इधर पे मकाऊ का भी सेक्शन है, तो आप लोग को मैं मकाऊ का सेक्शन पूरा दिखा दी। ओवरऑल एक बार लुक आप लोग देख लो। और इधर पे राइट तरफ में जो दिख रहा है फील्ड, ये जीराफ का सेक्शन है। और ये रहा जीराफ जो अंदर पे दो जीराफ खाना खा रही है। देखो गाइस कितना क्यूट लग रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है सामने से। चलो ये लोग का बाहर निकलने का थोड़ा देर वेट करती हूँ कि बाहर आते कि नहीं, पर वो लोग अभी खाना खा रहे हैं क्योंकि अभी ये लोग का लंच टाइम हो रहा है दोपहर को। इधर पे जीराफ भी देखने मिल गया, ये लोग बाहर पे अभी घूम रहे जीराफ। और अभी उधर से मैं घूम के जाऊंगी, आप लोगों को मैं थोड़ा सा पास में दिखाऊंगी। और ये रहा व्यू पीछे पोर्शन का। और फाइनली निकल चुके हम लोग के लिए जीराफ गाइस। देखो मैं बोली थी ना वेट करूंगी, तो पक्का आएंगे। देखो बाहर ये लोग लंच करके आ चुके हैं बाहर पर। कितना बड़ा लंबा लंबा जीराफ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कितना अच्छे से बैम्बू से डेकोरेट किया गया, यहाँ पे फोटोशूट रील्स वगैरह बना सकते हो। तो मैं तो बना ली, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लेना। और अभी फाइनली पहुँच चुकी हूँ जेब्रा का सेक्शन में। तो ये रहा जेब्रा, दो जेब्रा यहाँ पे है, तो दो दो करके रखा गया है गाइस। और अभी मैं दूसरे सेक्शन पे भी आ चुकी हूँ, तो आप लोग को दिख रहा होगा क्या है सामने में। देखो क्या था ये। और ये गाइस हिप्पोपोटामस का जगह है जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं, और बहुत ही कम आपको दर्शन होंगे। जब इन लोग का मूड करते तभी बाहर निकलते हैं, तो मेरा अभी दर्शन नहीं हुआ। और इधर पे भी कुछ पार्क टाइप का भी बनाया गया है। तो यहाँ पे ना गाइस इस जू पे ना फोटो क्लिक करने का, वीडियो वगैरह का बहुत अच्छा जगह है। मैं पहुँच चुकी हूँ क्रोकोडाइल का सेक्शन में। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल रहते हैं, और वहाँ पर देखो सोए हुए दो क्रोकोडाइल ऊपर में दिख रहा है कांच के। उधर पर देखो, ये देखो कितना सारा है, दो नहीं गाइस तीन दिख रहा है मेरे को इधर पर। और भी है सत पानी के नीचे, पर ऊपर में तो तीन ही दिखा कोकोडाइल। अब मैं पहुंच चुकी हूँ डायनासोर के सेक्शन में। तो सामने दिख चुका है गाइस डायनासोर, किस्मत मेरी अच्छी है जो आज हमको देखने मिल गया है डायनासोर। देखो वो कुछ खाना खा रहे हैं। तो चलो गाइस, इनका भी दर्शन कम ही होता है, पर आज मेरा लक अच्छा था कि मैं दर्शन कर पाई इनको, क्योंकि बहुत सारा जू में मैं गई हूँ कोलकाता में ही, पर दर्शन नहीं होता था। आज मेरा दर्शन इनसे हो गया है। और इधर पे अभी डेकोरेशन चल रही है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलो और अंदर की तरफ चलते और देखते हैं क्या क्या है एक एक करके। तो इधर पे भी अभी डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इधर पे भी बन रहा है देख सकते हो। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ बंदर का सेक्शन में, तो चलो देखते हैं बंदर है कि नहीं। तो देखो गाइस बंदर है, और वो भी खेला दिखा रहा है। देखो देखो रस्सी पकड़ के खेला दिखा रही हम लोग को। वाह यार, ये भी मेरे को आज देखने मिल गया बंदर का खेला। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी देखो कितना मस्ती कर रही है, अकेले ही है पर अच्छा लग रहा है देख के। चलो ध्यान इन लोग का बहुत अच्छे से रखा जा रहा है जू के भी अंदर में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे टाइगर अभी लाया नहीं गया है गाइस, अभी कुछ दिन बाद टाइगर को लाया जाएगा। अभी डेकोरेशन चल रहा है इसका, बनाया जा रहा है, यहाँ पे टाइगर को रखा जाएगा इस जगह पे ही। पर जब आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोग को लिए फिर से आऊँगी ये जू पे। पर अभी आप लोग देख लो इधर पे
क्या क्या है, ये भी एक बंदर का ही प्रजाति है। और अंदर की तरफ तो आप लोग को देखने मिल गया होगा, थोड़ा सा ही झलक मेरे को भी देखने मिला, फिर ऊपर की तरफ वो चली गई। ये भी एक बंदर का ही प्रजाति है, देखो ऊपर की तरफ बैठी हुई है देखो। और फाइनली इधर पे भी कोकोडाइल मेरे को देखने मिल गया, देखो उधर पे धूप सेक रही है अपना। और कितना ब्यूटीफुल से बनाया गया है ना गाइस, ये नया जो है ना इसलिए इतना अच्छे से बनाया गया। और यहाँ पे भी फोटो क्लिक करने का बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पे भी एक ही बंदर का प्रजाति को रखा गया पर मेरे को देखने नहीं मिला। पर देखो यहाँ पे वाओ यार, ये ऊपर में देखो घर टाइप का बनाया गया है, रस्सी भी कितना सारा बनाया गया है। और फिर से मैं क्रोकोडाइल का सेक्शन में आ चुकी हूँ क्योंकि पास पास में है गाइस। आप एक तरफ देखोगे तो क्रोकोडाइल और एक तरफ देखोगे तो बंदर का सेक्शन है। अब मैं फाइनली आ चुकी हूँ डियर का सेक्शन में, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा डियर है। और इधर पे एक पॉन्ड टाइप का बनाया गया पानी पीने के लिए, और बहुत ही बड़ा इलाका में डियर का इलाका बनाया गया है देख सकते हो। और उधर पे ये गाइस इधर पे सामने पे आई भी नहीं है, पर कोई नहीं, चलो दर्शन तो हो गया डियर का भी। और कितना बड़ा इलाका में है, और इधर पे ये लोग खाना भी खा रहे हैं, स्पॉटेड डियर देख सकते हो, मतलब बॉडी पे जो स्पॉट रहता है ना इसको स्पॉटेड डियर बोलते हैं। और उधर पे सब कोई गोसिप वगैरह मतलब बात उत कर रहे होंगे डियर लोग। और इधर पे भी एक डियर है, तो देखो पानी के तरफ देख सकते हो, आप लोग को दिख गया होगा सामने में। तो ये अलग प्रजाति का डियर है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि जू में बहुत तरह का डियर का भी प्रजाति को रखा जाता है। इधर पे भी देखो एक डियर है जो अकेले ही घूम रही है। और गाइस मेरे को सामने में दिख गई एक डियर, देखो वाह यार कितना ब्यूटीफुल है। और ये छोटी सी एकदम बच्ची है डियर, और इसकी मम्मी भी है पर उधर पे है गाइस, इधर पे नहीं है, पर बच्ची तो इधर पे है। और इधर पे ऑस्ट्रिच भी है देख सकते हो, इधर पे नेट के वहाँ पे घूम रही है ऑस्ट्रिच। और यहाँ का फ्लावर्स का कलर तो बहुत ही लाजवाब है देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल है। छोटा सा जू है पर वेल डेकोरेटेड है। आप लोग को कैसा लगा गाइस आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना। फाइनली अभी निकलने का टाइम हो रही है, और मैं निकलते निकलते आप लोग को जितना हो पाएगा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे कैंटीन भी है, तो आप लोग को अगर भूख लगे तो इसके अंदर पे आप लोग खरीद सकते हो। नेचर्स कैफ़े भी है, तो चलो अच्छी बात है कि कैंटीन के साथ साथ कैफ़े भी बनाया गया है यहाँ पे जू के अंदर ही। और गाइस ये वाला जगह मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, वाओ यार एक बीच में पेड़ चारों तरफ को घेर दिया गया, और वहाँ पे छोटा छोटा प्लांट्स लगाए गए हैं, तो वहाँ पे भी मैं फोटो क्लिक करवा चुकी हूँ। सो गाइस अभी बंद होने का टाइम हो चुका है, 5:30 बज रहा है, तो अभी हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे बर्ड्स का बहुत आवाज़ आ रही है, तो आप लोग को मैं घर जाके लोकेशन, टिकट का प्राइस, कहाँ पे कैसे आप आओगे सब कुछ मैं डिटेल्स में बता दूंगी। और गाइस सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे एनिमल्स कम है, पर डेकोरेशन और फ्लावर्स गाइस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन, आपको आके बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो मैं निकलती हूँ अभी। सो गाइस मैं फाइनली निकलते निकलते आप लोग को फ्लावर्स सब दिखा दे रही हूँ, कितना सारा फ्लावर्स है, वो भी कलरफुल फ्लावर्स देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना कि इतना सारा कलरफुल फ्लावर देखना। मतलब जू में तो मिलेगा ही डेफिनेटली, पर ये वाला जू में कुछ ज़्यादा ही मिला। तो चलो गाइस अब फाइनली निकल रहे हैं। और ये वाला एक बच्चे लोग का छोटा सा पार्क बनाया गया है ताकि बच्चे लोग भी आके बोर नहीं हो, खेल सके। और गाइस मेरा ये आज का आउटफिट है, तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना कि मैं आज का आउटफिट पे कैसी लग रही हूँ, भूलना मत कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलो गाइस फाइनली निकलने का टाइम हो चुकी है, तो ओवरऑल आप लोग एक बार व्यू देख सकते हो। और गाइस मैं घर जाके लोकेशन शेयर कर दूंगी आप लोग को। गाइस मैं फाइनली घर वापस आ चुकी हूँ, तो आप लोग देखे होंगे कि मैं गई थी जू, तो मैं पहले लोकेशन बता देती हूँ। तो मैं गई थी गाइस होरी नालाई जू, जो कि नाम है जू का, और ये लोकेशन है गाइस न्यू टाउन राजाराट में, जो कि एकदम इको पार्क के जस्ट पास में ही है गाइस। तो आप लोग होरी नालाई मिनी जू देना तो आप लोग को लोकेशन गूगल पे मिल जाएगा, और एकदम इको पार्क के जस्ट पीछे में ही है, तो आप लोग को दिक्कत भी नहीं होगा जाने में। बहुत ही अच्छा जगह पे है लोकेशन। और टाइमिंग मैं बता देती हूँ, तो सुबह 10 बजे से शाम का 6 बजे तक ओपन रहती है, और 50 रुपीज टिकट प्राइस है गाइस। और मिनी जू इसलिए बोलते क्योंकि बहुत सारा एनिमल्स अभी लाया नहीं गया है, क्योंकि बन रहा है अभी, डेकोरेशन चल रही है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा पूरी भर जाएगा, तो अभी इसलिए इसको मिनी जू ही बोलते हैं। आप लोग को कोलकाता में एक और एक जू है जो कि न्यू अलीपुर में है, बड़ा जू,
उसको अगर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके देख लेना। तो गाइस मैं आप लोग को लोकेशन, प्राइस, टाइमिंग सब कुछ बता दी, आप लोग जाओ और बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। फ्लावर्स बहुत सारा कलरफुल फ्लावर्स आप लोग देखे होंगे, फोटोशूट वीडियोस वगैरह आराम से बना सकते हो। तो बहुत ही शांति भी है, मतलब बहुत ही पॉपुलेशन कम है यहाँ का जू का, क्योंकि न्यू टाउन पर भी नया बनाया ना, तो अभी बहुत जन जानते भी नहीं है। गाइस आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली जाओ विजिट करो। तो चलो गाइस मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, अगर चाहे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ही जल्दी एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ लौटूंगी, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर एवरीवन।